नमस्कार, मैं शिवान शर्मा, एक बार फिर हाजिर हूँ आपके शहर सहारनपुर की खास खबरों के साथ। चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके शहर की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। दीक्षांत परेड समारोह के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन पहुंचे मुख्य अतिथि उप महानिरीक्षक। रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित रिक्रूट आरक्षियों के दीक्षांत परेड समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि उप महानिरीक्षक SSP एवं अन्य अधिकारीगण द्वारा आरक्षियों को संबोधित कर पुरस्कार वितरित करते हुए सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई। जनपद में प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर सख्त हुआ नगर निगम, चलाया गया चेकिंग अभियान। नगर निगम द्वारा प्लास्टिक व थर्मोकोल से निर्मित ग्लास आदि के विरुद्ध कर्नल BS नेगी प्रभारी प्रवर्तन दल के नेतृत्व में सदर थाना रोड व हकीकत नगर आदि जगह पर अभियान चलाया गया, जिस दौरान पॉलिथीन व गंदगी फैलाने वालों से 7,400 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। जनपद वासियों ने बकरीद के मद्देनजर शनिवार रविवार को लॉकडाउन खत्म करने की उठाई मांग। जो आज मुत्तहिदा मजलिस अमल का ये डेलीगेशन आया है मौलाना जहूर साहब और मौलाना अख्तर साहब की क़यादत में, हम ये चाहते हैं कि सैटरडे संडे को जो बकरीद पड़ती है और मंडे को, तो सैटरडे संडे लॉकडाउन का दिन है। हम चाहते हैं कि प्रशासन इस पर अपनी गाइडलाइन क्लियर करे और इस पर जो है मतलब जैसे जैसे देहरादून और हरिद्वार और उत्तराखंड के दूसरे इलाकों में प्रशासन ने लॉकडाउन समाप्त कर दिया है सैटरडे संडे का, तो हम यहाँ के प्रशासन से कामना करते हैं, निवेदन करते हैं कि वो भी इसको ख़त्म करने का काम करें। कैराना में पुलिस कर्मियों की चली बैठक, राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाले भूमि पूजन एवं आगामी पर्व बकरीद को लेकर कैराना कोतवाली प्रभारी ने सभी सब इंस्पेक्टरों की बैठक ली, जिसमें इंस्पेक्टरों को अपने अपने क्षेत्र में निगरानी रखने के साथ ही अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। वाल्मीकि समाज ने एक पक्ष पर लगाया हसनपुर स्थित वाल्मीकि मंदिर हड़पने का आरोप। ब्रजभवन सूद जिलाध्यक्ष जिला वाल्मीकि सभा सहारनपुर। क्या मामला? मामला हसनपुर वाल्मीकि मंदिर का है, जो लगभग 50 वर्षों से वहाँ पर स्थित है और कुछ लोग वहाँ पर उसे कब्जाने का काम कर रहे हैं और पटवारी लेखपाल सभी लोग इसमें गलत तरीके से उसको भूमाफे को कब्जाने का काम करवा रहे हैं और हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे और पूरा वाल्मीकि समाज इसके लिए आंदोलन करेगा अगर हमें सही न्याय नहीं मिला तो। वृद्ध ने दो आरोपी पर लगाया चक्रोड पर अवैध कब्जा करने का आरोप। कैराना में ग्राम बदलुगढ़ निवासी ओमपाल ने सार्वजनिक चक्रोड पर गांव के दो व्यक्तियों पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी। साथ ही दोनों आरोपियों पर वृद्ध से मारपीट करने व गाली गलौज देने के आरोप भी लगाए। पीड़ित ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही कर अवैध कब्जा हटवाने की मांग की। खंड शिक्षा अधिकारी पर लगातार शिकंजा कस रहा है मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ। मलिक प्राइवेट स्कूल टीचर एसोसिएशन का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। यहाँ हम BSA कार्यालय पर पूर्व घोषित कार्यक्रम था, 3 दिन का अल्टीमेटम था, उसके बावजूद उस कार्यक्रम में जिस खंड शिक्षा अधिकारी ने यहाँ निकम्मेपन से कार्य किया है, अभिभावक हजारों अभिभावक परेशान किए, हमारे सैकड़ों स्कूल वाले परेशान हुए हैं उस व्यक्ति के कम से, तो उसके लिए हमारा था कि वो वह तो काम करे या वापिस जाए, जहाँ से कहाँ आया कहाँ जाए हमें उससे कोई लेना नहीं, उसको यहाँ से चला जाना चाहिए। जिले से मैं नहीं चाहता, हमारे जनपद में रहे, किसी दूसरे जनपद में चला जाना चाहिए उसे। हमने मांग की है उनके उसका स्थानांतरण होना चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए। उसने तमाम अभिभावकों को जनहित में उसने कोई काम नहीं किया, जनता के खिलाफ उसने काम किया है, इसलिए हमने जो उसको यहाँ से हटवाने का मुहिम थी। आज BSA साहब ने आश्वासन दे दिया है, उसका लेटर तैयार हो गया है, अन्य दूसरा BO नगर क्षेत्र में आपका जो है नियुक्त कर दिया गया है और आज हम जो है इसका, वरना हमारा जो है आमरण अनशन के लिए हमारे साथ आए थे वो कार्यक्रम हमारा जो है रोक दिया गया है। हम लोग आज का एक दिवसीय कार्यक्रम यहाँ BSA कार्यालय पर हमारा कार्यक्रम है। इस जो है मैं धन्यवाद देता हूँ BSA साहब ने, समय रहते कोई यह प्रिय घटना होती कोई और होता, समय रहते उन्होंने जो है अपना निर्णय ले लिया है और उनको आज हटाने का काम किया। आज हम इसके कार्यक्रम की समापन की घोषणा भी जो है किया जा रहा है, वरना अनिश्चितकालीन हम लोग जो आपका भूख हड़ताल का कार्यक्रम था हमारा और वो आज हमने स्थगित कर दिया।
हमारी वीडियो आपको कैसी लगी अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबाएं और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमें हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो करें।